हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 12वीं का विषय भूगोल का त्रैमासिक परीक्षा 2023 का जो आपका 20 सितंबर को कक्षा 12वीं का विषय भूगोल का पेपर होने जा रहा है, जो सेट ए का PDF मुझे मिल चुका है, जो आपके पेपर में प्रिंट के अनुसार आपको मिलेगा, यानी प्रिंट दिया जाएगा उस पे ही पेपर रहेगा। तो चलिए मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, ताकि आप लोग वहाँ पर जो 20 तारीख को आप पेपर देने जाएँ तो आपको, जैसे आप लोग यहाँ पर समझ के जाएंगे तो वहाँ पर आप जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा सरल मिलेगा आपको, तो आप लोग जल्दी कर लेंगे। ठीक, तो चलिए पहले आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक, तो संपूर्ण सोल्यूशन है, आप लोग बिल्कुल घबराने कोई बात नहीं। मुश्किल से ये वीडियो 7 से 10 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है। ठीक, चलिए, तो इसी पैटर्न के आधार पर रहेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पैटर्न का है सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्या लिखना है? सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके 7 नंबर में रहेंगे। सही विकल्प कितने नंबर? 7 नंबर। तो पहला देख लेते हम, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसमें जाएगा चीन। चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरा, फूलों फूलों की कृषि का कहलाती है, जो फूलों की कृषि होती है तो क्या कहते हैं? तो वो कहलाती है पुष्पोत्पादन। तीसरा लगा, सनिस्मन में कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो इसमें जाएगा भी मिश्रित कृषि। गगम नगर सही है। चलिए अगला, चौथा जिसमें धार्मिक नगर, धार्मिक नगर है तो यहाँ पर चौथे धार्मिक नगर क्या है? तो इसमें हो जाएगा उज्जैन। ठीक, काकुते सही है। पाँच लगा, ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है, तो पाँच हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप, मतलब कि आपका हो जाएगा खगड़िया, सही आंसर है। यहाँ पर आप लोग छठवा, चाय का उत्पादन भारत विश्व का में स्थान है, तो आप लोग कौन सा स्थान बताइए चाय का? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। मानव विकास का अवधारणा के अंदर कौन सा है? तो इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन दो के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर देख लें। चलिए, नहीं हो तो मैं लास्ट में इसका पूरा PDF का आंसर भी शायद दे दूंगा। पहला आप लोग रिक्त स्थानों की पूरी कीजिए। चलिए हम रिक्त स्थान भरते हैं। यहाँ पर लिखा आप लोग सामने, स्थानांतरित दो, स्थानांतरित शील कृषि कार्य क्षेत्रों के लिए की जाती है। कौन सी की? तो लोग उष्ट कटिबंधीय। ठीक, चलिए फिर आप लोग खाकर रुक, जिसमें लगा सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है? तो इसमें लोग नाइजीरिया। कौन लोग हुए? नाइजीरिया। फिर आप लोग सामने गगम लगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो महानगर है इंदौर। ठीक, इंदौर, ओके। चलिए घाघरिया देखते, घाघरिया भारत के प्रथम वर्ग के नगरों में प्रतिशत नगरीय जनसंख्या रहती है। तो उसमें घाघरी में लोग जाओगे गगमला के बाद, घाघरी में 60%। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो घाघरी का हो जाए दूसरा। चा चम्मच का, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन सर राज्य में होता है, तो चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र। इसी बात बढ़ते नेक्स्ट पर, नेक्स्ट अच्छा जाता का विकास, यानी विकास अर्थ गुणवत्ता परिवर्तन के जो सापेक्ष होता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट पर, नेक्स्ट आपको सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर देना है, फिर हम लोग सही जुड़िए भी करेंगे। पहला, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? जो किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो लोगे उस देश की निवासी, लिखोगे उस देश की निवासी। खाकर उसका है, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो लोगों के लाल कॉलर श्रमिक। गगम लगा है, बस्ती से क्या तात्पर्य है? तो लोगों के बस्ती से किसी प्रकार का आकार या घरों का समूह, लोगों के बस्ती से तात्पर्य है घरों का समूह। वह घाटी है, सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित दो नगरों के नाम लिखिए। तो लोग हुए हड़प्पा तथा सोहन जोगड़ो। क्या लोग हुए? हड़प्पा तथा सोहन जोदड़ो। गमला, गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है। क्या है? उष्णकटिबंधीय फसल।
6 चम्मच का है। तो छात्रों, इस पेपर का पीडीएफ और इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं अपने मोबाइल में आपको डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूं, ताकि आप भी अपने मोबाइल में इसी प्रकार से डाउनलोड कर पाए। तो सबसे पहले छात्रों आपको करना क्या होगा, गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। यहां पे आप देख सकते हैं गूगल क्रोम दिया गया है, यहां पे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद देखिए छात्रों, यहां पे आपको क्या लिखना होगा, स्टडी नोट्स पीजी आपको लिखना होगा। तो छात्रों ध्यान से आप देखिएगा, स्पेलिंग स्टडी नोट्स पीजी STUDYNOTESPJ, ठीक है, आपको लिखना होगा। अगर स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो नहीं आएगा। अब जैसे आप सर्च करेंगे, सबसे पहले नंबर पे आपको दिख जाएगा studynotespj.com, ठीक है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा studynotespj.com, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे दिया गया है नंबर वन प्लेटफॉर्म एमबी बोर्ड के लिए बनाया गया, देख लीजिए आप ऊपर आ रहा है, ये नंबर वन प्लेटफॉर्म है आपके एमबी बोर्ड के लिए। अब आप जैसे नीचे आएंगे तो छात्रों यहां पे आपको अपना एमबी बोर्ड ढूंढना है। देखिए जॉब बाय क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपको एमबी बोर्ड वाला सेक्शन मिल जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो छात्रों यहां पे ध्यान पूर्वक देखिएगा, मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल सहित, मतलब कि यहां पे मैं आपको पेपर भी दूंगा, साथ में पेपर का पीडीएफ हल सहित प्रोवाइड कराऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो छात्रों यहां पे देखिए, आप समझने वाली बात यह होगी कि यहां पे सभी क्लासों के पेपर एक ही तारीख में दिए गए हैं। अब ध्यान से आप इस तारीख को समझना, तभी आप पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। तो छात्रों 9वीं और 10वीं के जो सब्जेक्ट है वो इस साइड दिए गए, हिंदी, देखिए विज्ञान, ठीक है, और देखिए 11वीं और 12वीं के जो सब्जेक्ट है वो इस साइड दिए गए, हिंदी, रसायन शास्त्र। तो आप जिस भी क्लास में है उस क्लास के सब्जेक्ट के सामने आपका यहाँ पे सेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए छात्रों, अभी हम कक्षा 9वीं का यहाँ पे विज्ञान का दिखा दे रहे हैं, लेकिन सेम प्रोसेस सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट के लिए रहेगी। तो आपको इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का करना है। तो छात्रों देखिए, हमें 9वीं का विज्ञान का करना है, तो देखिए यहाँ पे 9वीं का विज्ञान दिया गया। अगर जैसे 10वीं का करना होगा तो 10वीं का विज्ञान दिया गया, ठीक है। तो हम 9वीं के विज्ञान के सेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एक ऐड आएगी, इसको आपको क्लोज कर देना होगा। इसको क्लोज करने के बाद छात्रों यहाँ पर देखिए एकदम असली पेपर आपका देखने के लिए आपको मिल जाएगा। देखिए आप पूरा पूरा असली पेपर है जो कि आपका यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ से आप पेपर का जो है संपूर्ण पीडीएफ कुछ इस प्रकार से देखिए, इसको प्रेस करके रखेंगे तो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, तो इस इमेज को आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने यहाँ पे फोन में इसको डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं अगर आपको सॉल्यूशन को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए छात्रों, यहाँ पर देखिए टाइमर चल रहा है, ठीक है। टाइमर जैसे ही समाप्त होगा तो हरी कलर का डाउनलोड का बटन दिखेगा, यहाँ पर देखिए हरी कलर का डाउनलोड का बटन आपको दिख रहा होगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जीमेल चूज करने के लिए बोलेगा, तो मैं जीमेल अपना चूज कर लेता हूँ। तो छात्रों यहाँ पर मैंने अपना जीमेल चूज कर लिया, देखिए सॉल्यूशन हमारे यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ पेपर की वीडियो सॉल्यूशन को डाउनलोड कर लें। UNDP का पूरा नाम लिखिए, किसका लेना है, UNDP का पूरा नाम हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे ये आपके एक सौ दिवस का कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग सही जुड़िया जिसमें लगे हैं जनसंख्या नियंत्रण, तेलुगु परिवार नियोजन, तेलुगु परिवार नियोजन और सामूहिक कृषि, पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ बुंदेलखंड, पूर्व सोवियत बुंदेलखंड का, तो बुंदेलखंड बिहार में छोड़ देते थे हम लोग। वाराणसी का हो जाएगा, वाराणसी का कहाँ पर लोगे, तो गुच्छित बस्तियाँ, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, धार्मिक नगर। सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है, यही वाला बुंदेलखंड सिद्धगुज। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरी तरह से आपका मैंने संपूर्ण सॉल्यूशन बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन जिसमें लगा है मानव विकास क्या है, भोजन संघर्ष में कहाँ किया जाता है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपके सारे के सारे दो नंबर में हैं, इन सभी क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। अब इन सभी आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इन सभी का आंसर मैं इस वीडियो में बताऊँ तो मतलब संभव तो नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए। इन सभी का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ, ठीक। अब वो वीडियो आपको कैसे मिलेगा, कुछ नहीं करना, जितने लोग यहाँ तक देखें वीडियो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने भी लोग सभी लोग देख लें, क्योंकि इसे सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट जो फायदा होगा इसका संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही आपकी जो अर्धवासी परीक्षा होगी, बाहर से परीक्षा होगी, उनका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।